गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन एंड इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। नाउ डिफॉल्ट आर्गुमेंट, हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी फंक्शन डिजाइन करना सीख गए हैं, जिसमें कि हम जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे। यानी कि अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज अ वैल्यू provided in a function declaration that is automatically assigned by the compiler if the caller of the function does not provide a value for the argument with the default value। yani ki jab hum koi function call kar rahe hain aur function call karte ke jo argument pass kar rahe hain agar wo hum jo function declaration hai wahan pe hum pass karte hain aur hum chahte hain ki वैल्यू बिना पास किए वो ऑटोमेटिकली कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले ले, तो फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त उस आर्गुमेंट में हम एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। यानी कि जब भी हम फंक्शन कॉलिंग करते वक्त अगर वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो डिक्लेरेशन में डिफॉल्ट वैल्यू है वो उसको ऑटोमेटिकली असाइन कर लेगा उस वेरिएबल के लिए। यानी कि अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज अ वैल्यू प्रोवाइडेड इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन दैट इज ऑटोमेटिकली असाइंड बाय द कंपाइलर इफ द कॉलर फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड अ वैल्यू फॉर दैट आर्गुमेंट विद द डिफॉल्ट वैल्यू। नाउ इसका एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। नाउ ये फंक्शन हमारा एक प्रोटोटाइप है, अगर आप देखें तो इसमें हम लोग चार पैरामीटर यूज कर रहे हैं, पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड एंड चौथा डब्ल्यू। यानी कि और चारों किस टाइप के, इंटीजर टाइप के हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि ये जो तीसरा चौथा फंक्शन है इक्वल टू करके एक वैल्यू असाइन दी गई है, यानी कि ये जेड की क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू है, ये डब्ल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू है। यानी कि अगर हम जेड और डब्ल्यू कॉलिंग करते वक्त सम फंक्शन को केवल दो आर्गूमेंट पास करें या तीन आर्गूमेंट पास करें और ये वाली वैल्यूज अगर हम नहीं प्रोवाइड करें इसके लिए, तो ऑटोमेटिकली जेड और डब्ल्यू के लिए क्या वैल्यू ले लेगा, जीरो। कैसे देखते हैं, हमने ये इसका एक्चुअली में ये इसके डेफिनेशन है, यहाँ पे ये मेन फंक्शन यूज किया है। अब हमने देखिए यहाँ पे क्या कॉल किया है, सम 10, 5। अगर आप देखिए नेम ऑफ द फंक्शन तो मैच कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट इसमें 2 और इसमें कितने हैं, 4 है। तो जब हम कॉलिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा और आपका मिसमैच कर जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने इन दो में डिफॉल्ट आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दिया गया है, यानी कि अगर इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हम मिनिमम कितनी वैल्यू पास कर सकते हैं, दो वैल्यू, तो पहली वैल्यू ये एक्स में स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू 15 में स्टोर होगी, तीसरी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। तो जो वैल्यू प्रोवाइड की गई है डिक्लेरेशन के टाइम, दैट इज अ डिफॉल्ट वैल्यू एज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो वो वैल्यू क्या, जेड और डब्ल्यू में क्या स्टोर हो जाएगी, जीरो। ठीक है, इसलिए अगर आप कॉलिंग करते वक्त डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज है पहले से ही डिक्लेरेशन में, अगर वो वैल्यू कॉलिंग करते वक्त नहीं डिफाइन करेंगे, नहीं देंगे, तो जो डिक्लेरेशन में डिफॉल्ट वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू ले लेगा। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की 15 है, अब हमने जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू नहीं प्रोवाइड की है तो उसकी ले लेगा जीरो। यानी कि ये 10 हो जाएगा, वाई की 15 हो जाएगी, Z की 0 हो जाएगी और W की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक और इसका वेरिएशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, तीन आर्गुमेंट पास किए, तो 10 वाला X में जाएगा, 15 वाला Y में जाएगा, 25 वाला Z में जाएगा और W की वैल्यू क्या ले लेगा, 0 ले लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यानी कि जब भी आप कॉलिंग करते वक्त नहीं आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं तो जो पैरामीटर में जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ऑटोमेटिकली वो उसको असाइन कर लेता है, दैट इज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ये वैल्यू इनिशियलाइज करने लगेगा, कॉपी करने लगेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से करेगा, यानी कि सॉरी यानी कि जो आर्गुमेंट है वो कॉपी कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि पहले 10x में जाएगा, फिर 15y में जाएगा और फिर 25z में जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट प्रोवाइड करके वेरिएशन कर सकते हैं उसके आर्गुमेंट में कॉलिंग करते वक्त। नाउ कुछ की पॉइंट्स हैं इसके डिफॉल्ट आर्गुमेंट के। सबसे पहली बात, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट आर ओवररिटन व्हेन कॉलिंग फंक्शन प्रोवाइड्स द वैल्यू फॉर देम। यानी कि अगर आप पिछले प्रोग्राम में देखें
ये अगर हमने यहाँ पे 25 प्रोवाइड कर दिया है तो वो जेड में जाके स्टोर हो रहा है, यानी कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है अगर हम वो वैल्यू पास कर देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू पर। ठीक है, अगर हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट कोई कांस्टेंट ले रखा है तो आप उसकी वैल्यू को बदल नहीं सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते हैं उसको। जब आप फंक्शन कॉलिंग करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो भी उसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे वो कॉपी कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि सबसे पहले लेफ्ट साइड के लेफ्ट हैंड के वेरिएबल में होगा, फिर दूसरे उसके बाद फिर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ लिखा हुआ वी मस्ट एड डिफॉल्ट वैल्यूज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि जब भी हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन में प्रोवाइड करेंगे तो वो वैल्यू किधर से प्रोवाइड करेंगे, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है, अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इसमें तीन आर्ग्यूमेंट है एक्स वाई एंड जेड, लेकिन जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है, यानी कि इधर से इधर, राइट टू लेफ्ट, यानी कि सबसे पहले राइट हैंड साइड के वेरिएबल में, फिर उसके बगल वाले वेरिएबल में, और उस नहीं है तो उसको छोड़ दिया, हम तीनों में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें कि इनवैलिड कैसे हो गया ये स्टेटमेंट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का, देखिए यहाँ पे जो पहले वाले आर्ग्यूमेंट में हमने दिया है कोई डिफॉल्ट वैल्यू, फिर हमने बाद में दो नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। हमें जब भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देना है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देना, ना कि लेफ्ट टू राइट। ये भी देखिए इनवैलिड हो गया क्योंकि इसमें पहला आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट है, फिर नॉर्मल वेरिएबल है, फिर आर्ग्यूमेंट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर हमें इसे करना होता तो इसका पोजीशन कहाँ आते हैं, वाई के बाद लेके आते। ठीक है, तो जब भी आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट देंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को। ये अब सेकंड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज अ इनलाइन फंक्शन। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें फंक्शंस का जो बेसिकली यूज करने का पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव है मेमोरी को सेव करना, ठीक है, और टाइम भी सेव करना। ठीक है, और ये तब बहुत यूजफुल है जब हम बार बार उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है नाउ, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि जब कोई फंक्शन आप कॉल करते हैं तो वो टाइम लेता है किसमें, ये आपकी डेफिनेशन है से सपोज, और यहाँ पे आपकी कॉलिंग हो रही है। तो जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो कंट्रोल क्या करता है, डेफिनेशन पे जंप करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट होने के बाद कॉलिंग पे फिर वापस आ जाता है कंट्रोल, यानी कि ये क्या हो रहा है, जंप फ्रॉम कॉलिंग टू डेफिनेशन एंड डेफिनेशन टू कॉलिंग। तो ये क्या होता है, एक टाइप का ये टाइम यहाँ कंज्यूम करता है। अगर आपका फंक्शन बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंक्शन छोटा है तो जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो इस जंपिंग टाइम के क्या होता है, ऑलमोस्ट बराबर, या जंपिंग टाइम का जो टाइम है वो ज्यादा बड़ा होता है, जो एक टाइप का क्या हो गया, ओवरहेड हो गया। और इससे हो क्या रहा है, आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो टाइम लग रहा है उसमें, फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम कॉलिंग टू डेफिनेशन एंड डेफिनेशन टू कॉलिंग। तो अब क्या हो रहा है कि जब छोटा फंक्शन है और उसमें जो टाइम जंपिंग टू द कॉलिंग फंक्शन वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है एग्जीक्यूशन टाइम से, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, प्रोग्राम की डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इस चीज को सॉल्व करने के लिए जिसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है ड्यू टू द जंपिंग फ्रॉम जंपिंग टू द जंपिंग कॉलिंग टू द कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन एंड डेफिनेशन टू द कॉलिंग फंक्शन, तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम लोग कहते हैं इनलाइन फंक्शन। यानी कि अगर फंक्शन छोटा है तो हम उसे क्या डिक्लेयर कर देते हैं, इनलाइन कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये इनलाइन फंक्शन करता क्या है, देखिए एन इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इन लाइन व्हेन इट इज इन्वोक्ड दस सेविंग टाइम। यानी कि जब हम किसी इनलाइन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो कंट्रोल वहाँ इनलाइन फंक्शन पे नहीं जाता है, बल्कि क्या होता है, उसका कोड वहीं जहाँ हम कॉल कर रहे हैं वहाँ पे एक्सपेंड कर जाता है। तो यानी कि वो एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा है, लेकिन जो कंट्रोल जो जंप हो रहा है वो अब नहीं होगा, और ये कब होता है, कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस रन टाइम पे क्या होती है, इनहांस कर जाती है, टाइम कम लगता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, द कंपाइलर रिप्लेसेस द फंक्शन कॉल विद द करस्पॉन्डिंग फंक्शन कोड दैट रिड्यूस द ओवरहेड ऑफ द फंक्शन कॉल। यानी कि जंपिंग में जो टाइम लग रहा है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया।
ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, वी शुड नोट दैट इनलाइन इज ओनली अ रिक्वेस्ट। ध्यान रखिएगा, जब भी इनलाइन फंक्शन बनाते हैं तो कंपाइलर को आप केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंपाइलर अगर उसे लगेगा कि इनलाइन फंक्शन की कैपेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं पोजेस कर रहा, तो चाहे आपने इनलाइन कीवर्ड यूज किया हो, तो तब भी वो क्या करेगा, इनलाइन के बेनिफिट को वो हटा देगा, एज अ नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन ये ऐसे किस सर्कमस्टांसेस में होता है, अगर आपका फंक्शन बड़ा है या वो कोई लूप कंटेन कर रहा, ठीक है, अगर फंक्शन रिकर्सिव है, अगर फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल होल्ड कर रहा, अगर फंक्शन स्विच कमांड या गो टू स्टेटमेंट यूज कर रहा, अगर फंक्शन कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर रहा लेकिन अगर एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज हुआ है, तो इन केसेस में आपका इनलाइन फंक्शन की तरह काम नहीं करेगा, एज जस्ट एज अ नॉर्मल वेरिएबल के तरीके से काम करेगा। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि आप लोग इनलाइन फंक्शन कैसे डिजाइन करेंगे। तो जब भी आपको इनलाइन फंक्शन डिजाइन करना होगा, तो फंक्शन के आप नॉर्मल फंक्शन वैसे ही डिफाइन कीजिएगा, बस उसके पहले एक कीवर्ड यूज कर लीजिएगा, दैट इज अ इनलाइन। तो अब ये देखिए, इस इनलाइन फंक्शन में इस कीवर्ड को यूज किया गया इनलाइन, इसका रिटर्न टाइप int है, नेम ऑफ द फंक्शन क्यूब है, और इसमें एक आर्गुमेंट पास कर रहा, और उसके बेसिस पे क्या कर रहा, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा, ठीक है। अब ये वैल्यू तो रिटर्न कर रहा, सिंपल एक लाइन का कोड का स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और ये इनलाइन नहीं होता, तो यहाँ से क्यूब से क्या होता, बार बार कंट्रोल यहाँ जाता और फिर वो यहाँ आता, तो इसी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर लिया। अब ये कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इस पर रिप्लेस हो जाएगा। अब यानी कि जब वो एग्जीक्यूट होगा, तब क्यूब इज 3 इज, और जो वैल्यू होगी एस की, बेसिकली वो क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उस वैल्यू को डिस्प्ले करा देगा। यानी कि ये जो टाइम लग रहा है जाने का, यहाँ कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होने का, टू द डेफिनेशन एंड फ्रॉम डेफिनेशन टू द कॉलिंग, वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और इससे आपकी प्रोग्राम की क्या हुई, परफॉर्मेंस इनहांस हुई। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें देखिए, हमने एक फंक्शन बना रखा, दैट इज अ डिस्प्ले, जो क्या कर रहा है, केवल जो भी नंबर पास कर रहा है उसे डिस्प्ले कर रहा है, एक बहुत स्मॉल फंक्शन है। अब यहाँ से इस फंक्शन को 2-3 बार कॉल किया गया है। अब क्या है कि यहाँ से ये जो इसकी डेफिनेशन है, बेसिकली इसका कोड यहीं पे क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कंट्रोल यहाँ नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली ये यहीं पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे आपका जंपिंग टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और आपकी टाइम रिड्यूस हुआ एग्जीक्यूशन टाइम, इसका मतलब आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस क्या हुई, इनहांस हो गई। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ इनलाइन फंक्शन के साथ डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है कि ठीक है, टाइम तो कम हो गया, इट्स ओके, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये स्पेस ज्यादा लेता है। इसका एडवांटेज इनलाइन फंक्शन का ये है कि ये इसका टाइम कम लेता है, एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, और लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्टोरेज ज्यादा करता है, यानी कि स्पेस ज्यादा लेता है। अब सपोज अगर आपने इस डिस्प्ले फंक्शन को 10 जगह कॉल किया, तो 10 जगह क्या होगा, उस फंक्शन को एक्सपेंड करेगा, तो मेमोरी ज्यादा ले लेगा, ठीक है, और जो वेरिएबल भी यूज हुए हैं वो भी अलग से स्टोर करेगा, यानी कि वेरिएबल के लिए भी मेमोरी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्टोरेज यानी कि जो स्पेस है वो ज्यादा लेता है, टाइम एडवांटेज क्या है, ये टाइम कम लेता है, और परफॉर्मेंस क्या होती है, इससे इंक्रीज होती है। अच्छा दीज आर द कुछ सम एक्स्ट्रा रीडिंग, जिसकी हेल्प से हम लोग और भी इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनलाइन फंक्शन हमेशा परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, ये स्पेस ज्यादा लेता है।